नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि चुनाव याचिका में लगाए गए भ्रष्ट आचरण के आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक सामग्री और विवरण देना जरूरी है। ऐसा न होना चुनाव याचिका के लिए घातक हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्ट आचरण से संबंधित तथ्यों को न बताने पर याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह फैसला न्यायमूर्ति अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील स्वीकार करते हुए 19 मई को दिया। यह मामला तमिलनाडु की आरावा कुरुचि विधानसभा में नवंबर 2016 में हुए चुनाव से संबंधित था। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को एक साथ गोलगप्पे का आनंद लेते हुए देखने के बाद जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी इस लाजवाब स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब करीब 2 महीने के बाद उनकी गोलगप्पे चखने की इच्छा पूरी हो गई है। वाराणसी की अपनी यात्रा के दौरान राजदूत ने गोलगप्पे, आलू चाट और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा। यहां तक कि उन्होंने क्षेत्र खानपान का लुत्फ उठाते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया है। मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कुकी और मैतेई आमने सामने है। हिंसा में अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। रविवार को भी स्थिति ठीक नहीं रही। विद्रोहियों और जवानों के बीच में तनाव नजर आया। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज खुद मणिपुर पहुंचेंगे। अगर पुराने संसद भवन ने आजादी के बाद भारत को एक नई दिशा दी थी तो नई इमारत आत्मनिर्भर भारत निर्माण की गवाह बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात नई पार्लियामेंट के उद्घाटन से पहले कही थी। नए संसद भवन के उद्घाटन ने भारतीय राजनीति और मार्बल वास्तुकला के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। भारत के नए संसद भवन के निर्माण की शुरुआत 2022 में हुई थी। इसका डिजाइन अहमदाबाद बेस्ड एसपी डिजाइन नाम की कंपनी के द्वारा किया गया था, जो आर्किटेक्ट बिमल पटेल की देखरेख में पूरा किया गया। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए बने गुट को बड़ी सफलता मिली। इस गुट में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत 14 देश शामिल हैं। इन 14 देशों ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत सप्लाई चेन एग्रीमेंट में महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने की घोषणा की है। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के देश कच्चे माल की कमी जैसी स्थितियों से निपटने में एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे कोविड और अनावश्यक व्यापार प्रतिबंधों जैसी स्थिति में कम से कम नुकसान हो। सुदीप्तो सेन की द केरल स्टोरी पर मचा बवाल अभी थमा ही नहीं था कि अब फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा को डर है कि पश्चिम बंगाल गए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। सनोज मिश्रा ने यह आरोप भी लगाया कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है, जहां उनकी हत्या हो सकती है। सनोज मिश्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट में तमाम बातें लिखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई है। रेडियो पर रविवार को प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 101वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सासाराम की रहने वाली विशाखा सिंह से बातचीत की। विशाखा सिंह कंप्यूटर साइंस विषय में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा है। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान विशाखा ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया। उसने पीएम के हर सवाल का जवाब बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दिया। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हो रही G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसे लेकर वहां की मीडिया भी पक्षपाती और भ्रम फैलाने वाली खबरें छाप रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए यहां G20 मीटिंग विरोध किया, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान समेत 5 देशों ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर देशी विदेशी सभी एजेंसी का भरोसा बढ़ रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल इंफ्रा के साथ सर्विस एक्सपोर्ट में होने वाली जबरदस्त बढ़ोतरी से भी काफ़ी मदद मिल रही है। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर के निर्यात में भारी बढ़ोतरी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सत्याग्रह अभी खत्म नहीं हुआ। ये बात अलग है कि रविवार को मचे हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के टेंट और तंबुओं को हटा दिए थे। साथ ही विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को हिरासत में ले लिया था। उसके बाद कहा गया था कि पहलवानों का सत्याग्रह अब समाप्त हो गया है, लेकिन देर रात तक स्थितियां बदल गई। पहलवान साक्षी मलिक ने और बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर बताया कि सत्याग्रह जारी रहेगा, ना ही हम घर वापस लौटेंगे। अब सरकार और पुलिस की तानाशाही नहीं बल्कि सत्याग्रह चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन को उनके फिर से निर्वाचित होने पर बधाई दी है। साथ ही पीएम ने विश्वास जताया कि वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ते रहेंगे। जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध को बलपूर्वक समाप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने रविवार को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया को हिरासत में लिया। उनकी नजरबंदी के तुरंत बाद पहलवान विनेश फोगाट और संगीत फोगाट की एक पुलिस वाहन में फेक मुस्कुराती हुई तस्वीर ट्विटर पर सामने आई है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि विनेश फोगाट और संगीता फोगाट पुलिस की वैन में है और दोनों फोगाट वैन में मुस्कुरा रही हैं। इसके बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने एक ट्वीट कर बताया कि वायरल हो रही यह तस्वीर फर्जी है। साथ ही पुनिया ने एक चेतावनी भी दी है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता नुमा ट्वीट करते हुए लिखा कि 9 सालों में जानलेवा महंगाई बीजेपी ने लूटी, जनता की कमाई, हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार, बिगड़ा बजट, चीना दुश्वार। कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पार्टियों की बैठक 12 जून को होनी है। इस संबंध में बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आज का दिन भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला है। देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है, जो कई मायनों में खास होगा। ऐसे में इस बार खास पल के मौके पर संसद पर बॉलीवुड के सितारों ने भी अपनी राय रखी है और शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर नई संसद भवन का एक वीडियो शेयर कर देशवासियों और पीएम मोदी को बधाई दी है, जो कि जमकर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। दूसरी ओर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। इस घटना के बाद गुस्से की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक विजेताओं के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार से मैं बहुत निराश हूं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो निंदनीय है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में बदलाव किया गया है। नए सिलेबस में अब हिंदुत्व विचारधारा वाले वीडी सावरकर के बारे में 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। यह बदलाव एकेडमिक काउंसिल की तरफ से किया गया था। उनका नाम सिलेबस में जोड़ने के बाद अब महात्मा गांधी के बारे में 7वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज किया। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट व अन्य के खिलाफ दंगा भड़काने, सरकार कर्मचारियों से मारपीट और उन्हें चोट पहुंचाने जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। FIR पर पहलवान साक्षी मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने फोटो और वीडियो सबूत होने का भी दावा किया है। दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान अब आप अगले कुछ दिनों में 5G मोबाइल नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कॉरिडोर के पिलर पर 5G नेटवर्क वाले उपकरण लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। DMRC के मुताबिक इसकी शुरुआत येलो लाइन के समयपुर बादली हुडा सिटी सेंटर रूट से की जाएगी। हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली तक 49 किलोमीटर कॉरिडोर पर कुल 37 स्टेशन है। इस रूट पर रोजाना 3 से 4 लाख यात्री यात्रा करते हैं। DMRC ने पिलर पर 5G मोबाइल नेटवर्क लगाने के काम को 3 चरणों में बांटा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चल रही थी। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार 150 सीटें उनकी पार्टी जीतेगी। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद थे। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर का अनावरण किया गया था। रविवार की आंधी में यहां लगी सप्तऋषि की मूर्तियों में से 6 मूर्तियां गिर गई। विपक्षी कांग्रेस ने मंदिर गलियारे के निर्माण में बड़ी अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गुजरात के अमूल को भारत के डेयरी सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। हालांकि पिछले दिनों कर्नाटक में इसे लेकर हुए विवाद के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि अमूल को उनके राज्य में दूध की खरीद बंद करने का निर्देश दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 साल में अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा सरकार ने कोरोना महामारी का डटकर सामना किया और 220 करोड़ वैक्सीन के डोज मुफ्त दिए। भारत की फर्स्ट लेडी अवार्ड से सम्मानित और हरियाणा के जिंद के जुलाना के गाँव मालवी निवासी महिला पहलवान कविता दलाल की जिंदगी पर बॉलीवुड मूवी बायोपिक बनेगी। ग्रैंड स्केल पर फिल्म बनाने को लेकर कविता दलाल का मुंबई की टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। टीम ने स्टोरी लिखनी भी शुरू कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच सोमवार को खेला जाने वाला IPL फाइनल कल बारिश के चलते रद्द कर दिया गया था। अभी यह मैच रिजर्व डे यानी कि आज खेला जाना है, लेकिन अहमदाबाद में आज भी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अहमदाबाद में आज भी शाम को रात करीब 10 बजे तक गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बीते 19 से 21 मई तक नेपाल के काठमांडू में ट्राई सीरीज इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 खेली गई थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में खेले गए इस टूर्नामेंट में भारत के टीम में नोएडा के 2 खिलाड़ियों ऋषि और पुलकित भी थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। खिलाड़ी ऋषि सिंह ने बताया कि यह मैच अंडर 14 टूर्नामेंट था जिसमें मैंने 2 पॉइंट लिए थे। वहीं पुलकित ने बताया कि 8 मई को 13 लोगों के साथ मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच एशिया कप आयोजन को लेकर चल रही तकरार जारी देखने को मिल रही है। भारतीय बोर्ड ने अब एशिया कप 2023 के आयोजन को लेकर PCB के हाइब्रिड मॉडल का समर्थन करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। इस मॉडल के अनुसार भारतीय टीम अपने मुकाबले किसी न्यूट्रल जगह पर खेलेगी, जबकि बाकी अन्य टीमें पाकिस्तान में ही अपने मैच खेलेगी।
हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, सुरुचि कुमारी, रवि शंकर, संजय चौधरी, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यौन शोषण के विरुद्ध जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को जिस तरह से हटाया गया उस पर आपके क्या विचार हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।